हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं अध्याय आपके छः के और अध्याय छः के और क्लास इलेवेंथ रसायन शास्त्र के प्रश्न बैंक के उत्तरों को हम आज जानेंगे। और पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज इस वीडियो में हम 5 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। 8 प्रश्न दिए हैं, उनमें से 4 हमने पहले कवर कर लिए थे, 4 आज कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय से वीडियो मिल सके और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। पहला प्रश्न हमारा आज के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो CO2 बनती है, और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए ΔH का मान यहाँ पर -94.3 किलो कैलोरी आपको दिख रहा है। ये कंडीशन लिखी है, 25 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 KTm दाब पर 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसके बाद हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया आती है, तो ऊष्माशोषी उसके नाम से हमारा ऊष्मा सोखेगी यानी अवशोषित होगी। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है कि N2 और O2 की जब अभिक्रिया होती है तो 2NO बनता है। इसमें ΔH +43.2 किलो कैलोरी 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, इसका मतलब 43.2 किलो कैलोरी उसमें उसको अवशोषित करके ये NO में बदल जाता है। N2O2 अवशोषित करते हैं ऊर्जा को और NO में बदल जाते हैं। तो यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 KTm दाब पर यानी 1 वायुमंडल दाब पर 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। यदि ΔH का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, और यदि ΔH का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की, और प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा है कि अभिक्रिया ऊष्मा क्या है, और इसी में एक प्रश्न और पूछा है तो उसको भी हम अभी समझेंगे। देखिए, अभिक्रिया ऊष्मा क्या है, तो अभिक्रिया ऊष्मा कैलोरी में ऊष्मा की वह मात्रा है, किसमें है, कैलोरी में, वह मात्रा है जो किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकट पदार्थों की ग्राम अणु मात्राओं की पूर्ण अभिक्रिया होने पर शोषित या उत्पन्न होती है। मतलब अणुओं की जो मात्रा है जो अभिक्रिया में शोषित होती है उत्पन्न होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं तो उसमें 94.300 कैलोरी उसमें जो है आपकी लगती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह क्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा उसमें 94.300 कैलोरी है। इसके बाद हमारी दूसरी परिभाषा पूछी है इसमें कि दहन ऊष्मा क्या है, तो दहन ऊष्मा इसके नाम समझ में आ रहा है कि किसी यौगिक या तत्व के 1 ग्राम अणु के पूर्ण दहन पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह उसकी ऊष्मा दहन या दहन ऊष्मा कहलाती है। जैसे कि मैथेन को हमने जब वायु की उपस्थिति में इसको जलाया तो CO2 और जल बनता है जिसमें 21,000 कैलोरी ऊष्मा निकलती है, तो C+O2 CO2। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को जलाकर डायरेक्ट CO2 बनाते हैं तो 94,300 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अतः जो आपको जो ऊर्जाएँ दिख रही हैं, जैसे कि मैथेन और कार्बन की दहन ऊष्मा क्रम से 21,000 और 94,300 कैलोरी हैं। ठीक है, इतनी ऊर्जा इसमें निकलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की, और प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है और इसका गणितीय व्यंजक लिखना है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1840 में मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने किया था, और इसमें क्या कहा था उन्होंने कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड के जो कुल ऊष्मा है वो स्थिर है। इसके बाद इसमें एक गणितीय व्यंजक लिखना है इसका। तो माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या है, U1 है। यहाँ पर हमने आंतरिक ऊर्जा को U1 माना है, आंतरिक ऊर्जा U1 है। यदि निकाय को ऊष्मा की क्यू मात्रा दी जाए, मतलब पहले से जो निकाय है उसके पास कितनी ऊर्जा थी, अंदर की ऊर्जा U1 थी, जो उसके पास पहले से उपस्थित, किसी ने नहीं दी, उसको खुद के पास है। और अगर हम उसको अलग से बाहर से यू ऊष्मा दें तो ये भी उसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो U1+Q हो जाएगी, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U1+Q हो जाती है। यदि तंत्र पर W कार्य किया जाए, अब क्या किया जा रहा है कि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखें आप कि जब भी तंत्र पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा और बढ़ती है, तो तंत्र की अंतिम आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U2 के बराबर हो जाएगी। अब U2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो U2 बराबर हो जाएगा U1+Q+W, क्योंकि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है।
तो अब इसको अगर यू वन को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आए तो यू टू माइनस यू वन हो जाएगा बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू बचेगा, और यू टू माइनस यू वन होता किसके बराबर डेल्टा यू के, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर आपको प्रश्न में ऐसा आ जाए डेल्टा ई बराबर आ जाए लिखा हुआ क्यू प्लस डब्ल्यू, तो आपको यही करके आना, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा ई से भी दर्शाते हैं और डेल्टा यू से भी। और यदि कार्य तंत्र द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर द्वारा शब्द जुड़ गया है, तो द्वारा शब्द जुड़ा है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, जो W है वो माइनस का हुआ और डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q माइनस W। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। और हम आप बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। इसमें पूछा है कि हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो हैस का नियम है स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है, जिसमें ऊष्मा स्थिर रहती है, ये हमें इसमें समझना है। नियम से ही आपको समझ में आ रहा होगा नाम से कि हैस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्थिर ऊष्मा से संबंधित नियम दिया था। तो देखिए क्या दिया था उन्होंने, वो समझते हैं। यदि एक ही रासायनिक परिवर्तन में एक या अनेक विधियों से यदि एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक विधियों से एक या एक से अधिक पदों में, ठीक है, एक ही परिवर्तन है रासायनिक और एक या एक अधिक विधियों से हो रहा है और एक या एक से अधिक पदों में हो रहा है, तो पूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न चाहे विक्रिया उत्पन्न जो ऊर्जा है वो उत्पन्न हो रही हो या अवशोषित हो रही हो, ऊष्मा क्या होती है, समान होती है, चाहे परिवर्तन किसी भी विधि से पूर्ण किया जाए, चाहे रासायनिक किया जाए, चाहे एक से अधिक पदों में किया जाए और चाहे कई पदों में किया जाए, तो संपूर्ण परिवर्तन कैसा रहेगा, समान रहेगा। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब विक्रिया होती है, कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनती है और उसमें 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया के दो पदों में अगर हम करें, जैसे कि कार्बन को पहले ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएं, तो यहाँ पर आपकी CO बनती है जो 26.4 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें निकलती है। अगर हम CO को फिर ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करें तो CO2 बनती है जिसमें 67.6 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो इन दोनों समीकरणों का हम जोड़ दें तो C+O2 CO2 जिसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा होती है, तो दो समीकरणों के द्वारा आप देख रहे हैं कि फिर भी चाहे दो पदों में करें चाहे आप एक पद में करें तो भी 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा ही उत्सर्ज होती है। यह तथ्य हैस के नियम की पुष्टि करता है, क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन में ऊष्मा का मान कैसे रहा, स्थिर। तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, और इस तरह से हमारा जो अध्याय 6 था उसके 8 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो जैसे हम अध्याय 7 की लाएंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। बने रहिए हमारे चैनल पर श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।